16 मई को प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक लेटर लिखकर राजस्थान से 1000 बसें लेने की पेशकश की। ये यूपी के प्रवासी मजदूरों को उनके राज्य वापस ले जाने वाली थी। तब से इस मामले पर राजनीति जारी है। 17 मई को आउटलुक ने रिपोर्ट किया कि 500 बसें राज्य के बॉर्डर पर यूपी सरकार का अप्रूवल पाने के इंतजार में खड़ी हैं। 19 मई को द प्रिंट ने रिपोर्ट किया था कि यूपी सरकार ने बसों के फिटनेस सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स और ड्राइवर्स की जानकारी मांगी है। यहां एक विवाद शुरू हुआ। इस विवाद के बाद भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कांग्रेस को दोगला बताते हुए आधी रात में 19 लाख रुपए वसूलने के बाद स्टूडेंट्स से भरी बस आगे बढ़ने देने का आरोप लगाया। इस ट्वीट में 5 मई की 19 लाख रुपए से ज्यादा की चेक की फोटो भी साथ में लगी हुई थी। अप्रैल में कई मीडिया संस्थानों ने रिपोर्ट किया था कि राजस्थान के एजुकेशनल हब कोटा में कई छात्र बुरे हालात में फंसे हुए हैं। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम RSRTC के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक 1 अप्रैल से 14 मई के बीच 18,000 से ऊपर छात्रों को ट्रेनों के जरिए बिहार और झारखंड भेजा गया। इसके अलावा 28,000 से ज्यादा छात्रों को बसों से अलग अलग राज्यों और राजस्थान के भी कई जिलों में भेजा गया। इस बारे में और जानकारी जुटाने के लिए ऑल्ट न्यूज ने कोटा के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ओम कसेरा और RSRTC जयपुर के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नवीन जैन से बात की। हमें मालूम चला कि 17, 18 और 19 अप्रैल को 12,000 से ज्यादा छात्र बसों में बैठकर कोटा से उत्तर प्रदेश गए। ये बस सर्विस दोनों राज्य की सरकारों का साझा प्रयास थी। अब मामला संबित पात्रा की ट्वीट की हुई चेक का। संबित ने UPSRTC के जिस चेक की फोटो ट्वीट की उस पर 5 मई की तारीख पड़ी हुई थी, यानी 19 अप्रैल को कोटा से बसों के रवाना होने के 16 दिन बाद की। यानी उनका कांग्रेस द्वारा यूपी सरकार से आधी रात को 19 लाख रुपए भुगतान करके छात्रों से भरी बस रवाना करने का दावा झूठा है। हमें नवीन जैन से राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का बैंक स्टेटमेंट भी मिला। इसमें दिखाई दिया कि 6 मई को 19,76,286 रुपयों का RTGS ट्रांजैक्शन हुआ है। संबित पात्रा के ट्वीट के एक दिन बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और उसमें उन्होंने साफ किया कि यूपी सरकार ने अप्रैल में भेजी गई बसों का 19 लाख का पेमेंट 5 मई को किया था। इससे साफ हो जाता है कि 19 लाख के बकाए के लिए बसें नहीं रोकी गई थी। ऑल्ट न्यूज ने संबित पात्रा से इस मामले में बात करने के लिए उनसे संपर्क करने की कोशिश की। कई फोन कॉल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस और एक SMS के बावजूद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमने UPSRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर राजशेखर से भी संपर्क करने का प्रयास किया, उनसे भी हमें कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि हमने UPSRTC के एक अधिकारी से बात की जिसने 17 से 19 अप्रैल तक का समय कोटा में बिताया था। अधिकारी ने बताया कि RSRTC ने उनका पूरा सहयोग किया था और UPSRTC की बसों में ईंधन भराने की डिमांड भी पूरी की थी। ऑल्ट न्यूज लगातार खबरों, वीडियोस, फोटोज वगैरह की सच्चाई आप तक ला रहा है और आगे भी ऐसा करता रहेगा। ऑल्ट न्यूज को डोनेट करने के लिए जाएं www.instamojo.com/@ऑल्ट न्यूज पर। आपको ये लिंक कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा।